सर अपना परिचय। मैं मनोज कुमार पांडे हूँ, विधायक हूँ और यूपी विधानसभा का विधानमंडल दल का मुख्य सचेतक हूँ, समाजवादी पार्टी का पूर्व मंत्री हूँ। क्या लग रहा है घोसी चुनाव? देखिए, घोसी का चुनाव अब केवल दो दलों के बीच में नहीं है, बल्कि ये दो विचारधाराओं के बीच में। एक वो लोग हैं जो 2022 में जनता से उन्होंने मत मांगा था 5 वर्ष के लिए। वो 5 वर्ष थे जनता के लिए नहरों में पानी देने का, जनता के गाँव की सड़कों को बनवाने का, किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य दिलाने का, नौजवानों को रोजगार देने का। लेकिन 1.5 साल में ये एग्रीमेंट दूसरी तरफ से तोड़ा गया और जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। और उत्तर प्रदेश की ये जनता और घोसी की जनता खासकर ये महसूस कर रही है कि जिन लोगों ने अभी 1.5 साल पहले ये कहा हो कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में आज धोखा मिल रहा, दगा मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी में रह करके अपने समाज की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, सफोकेशन महसूस हो रहा है, आज क्या परिवर्तन हो गया कि 1.5 साल बाद ही समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीत करके वो आज फिर भारतीय जनता पार्टी के से चुनाव लड़ रहे हैं और इस घोसी की जनता को एक दूसरे चुनाव में ढकेलने का काम किया। लोकतंत्र में जनता ही सरमान है, जनता ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। आज जिन लोगों ने जनता को, घोसी की जनता को धोखा देने का काम किया, हमें लगता है, ये पूरा विश्वास है, घोसी की जनता इस लोकतंत्र की और इस संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल घोसी में करने जा रही है। और जहाँ तक सवाल है, आज ये एक बड़ा सवाल है कि आज उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े बड़े विभाग के मंत्री आज यहाँ पर आए हैं। आज यहाँ कृषि मंत्री भी आए हैं, लोक निर्माण मंत्री भी आए हैं, ग्राम विकास मंत्री भी आए हैं। आज ये जनता सवाल कर रही है उनसे कि इन 1.5 सालों में जब नहरों में पानी नहीं आया तो इरीगेशन के मंत्री क्यों नहीं आए, लोक निर्माण विभाग के मंत्री जब टूटी हुई सड़कें यहाँ पर थी, आम जनता को घोसी की दिक्कतें हुई हैं, जल भराव रहा है, तो क्यों नहीं आज यहाँ पर आए। पशुपालन के मंत्री आज आ रहे हैं और जब इन्हीं किसानों और अन्नदाताओं के खेतों को सांड चर रहे थे या चर रहे हैं तो उसका मुआवजा देने कभी नहीं आए। तो आज जहां उत्तर प्रदेश नहीं, घोसी समेत पूरे उत्तर प्रदेश का सवाल है, देश का सवाल है। आज महंगाई बड़ी सीमा पर है, बेरोजगारी आज 7.9% बढ़ी है, नौजवान डिग्री लेकर के दर दर की ठोकरें खा रहा है और आत्महत्या की ओर मजबूर हो रहा है, मजदूर के हाथ में काम नहीं है। तो आज उस समय जब घोसी का उपचुनाव हो रहा था, हमें लगता है कि 24 से पहले का ये चुनाव है और घोसी की जनता केवल घोसी में नहीं, केवल मऊ में नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश में एक संदेश देने जा रही है कि वो महंगाई का हिसाब लेगी, अन्नदाताओं के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका हिसाब लेगी, बेरोजगार नौजवानों को आज दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर किया गया उसका वो जवाब आज लेगी, और उसका जवाब घोसी की जनता इस उपचुनाव में 5 तारीख को देने जा रही है। दारा सिंह चौहान कहना है कि सपा में सम्मान नहीं मिला, इसलिए बीजेपी में चले। दारा सिंह जी को क्या सम्मान मिला? मैं पार्टी का उसी दल का मुख्य सचेतक हूँ। हमें लगता है कि ये कह करके उनकी आत्मा उनको कचोट रही होगी, इसलिए कि जो सम्मान उनको आदरणीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने दिया है और अपने एक कैंडिडेट को यहाँ से, जो हमारा पार्टी का वफादार व्यक्ति था, उसको टिकट न दे करके उनको न केवल साथ लिया बल्कि टिकट देने का काम किया, उनको अपने उन पुराने चीज़ों को याद करना चाहिए। लेकिन इस दल में ये याद नहीं करते, याद तो जब ओम प्रकाश राजभर जी ने नहीं किया, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को क्या कहा, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को क्या कहा, और दारा सिंह जी क्या कह करके समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, उन्हें केवल ये याद कर लेना चाहिए। हमें लगता है उनकी आत्मा उन्हें कचोट रही होगी। ओम प्रकाश राजभर कहना कि सपा के औकात दिखा देंगे इस चुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी को औकात दिखाने का कोई सवाल नहीं, ये पार्टी किसानों की पार्टी है, क्या किसान को औकात दिखाएंगे वो? ये पार्टी नौजवानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को की पार्टी है। अब पता नहीं ये उनको औकात दिखाएंगे कि वो इनको औकात दिखाने जा रहे हैं, ये तो लोकतंत्र में जनता ही लोगों को, नेताओं को औकात दिखाती है। घोसी में उपचुनाव बनाम अखिलेश के बीच हो रहा है, अरे आप क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? अब ये मियां मिट्ठू का की कहावत बहुत दिनों से, उन्हें भूलना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि समाजवादी पार्टी है जिसके कारण से आज उत्तर प्रदेश के 3 विधायकों के साथ वो खड़े हुए हैं। ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की देन है।